कर रही है। बावजूद इसके जंगलों की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढोठर कसा में भारी मात्रा में इमारती चिरान लकड़ी जब्त किया गया है। शासन द्वारा जंगलों की कटाई रोकने तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी जंगलों की कटाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महासमुंद जिले में वन मंडल के अंतर्गत आने वाले जंगल में लकड़ी की कटाई की जा रही है। जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढोढर कसा में भी भारी मात्रा में इमारती लकड़ी और लकड़ी का चिरान जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरा वन क्षेत्र के ढोढर कसा में भारी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ी चीरने और परिवहन किए जाने की सूचना जिला वन अधिकारी को मुखबिर से मिली थी। सूचना पर पिथौरा वन परिक्षेत्र अधिकारी ने मौका मुआयना कर शिवलाल नामक व्यक्ति के घर से भारी मात्रा में इमारती लकड़ी व गोले व चिरान को जब्त किया है। वहीं आरोपी के ऊपर वन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि जिस जगह पर लकड़ी की चिराई की जा रही थी उस जगह से महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही विभाग का वन नाका स्थापित है, जहां 2400 घंटे वन विभाग के कर्मचारी भी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके इतनी कम दूरी पर अवैध रूप से लकड़ी की चिराई किया जाना काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एशियन 24।